हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इसके साथ कर दिए मैंने अपने दिन की शुरुआत। ये ब्लॉग होने वाला है मेरा डेली रूटीन जो आजकल चल रहा है। मैं अपनी मेटर्निटी ब्रेक पे हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं क्या करती हूँ और कैसे मेरा दिन जा रहा है। घर पर ही रहती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो मैं यहाँ मॉर्निंग के लगभग 7:30 बज रहे थे, मैं जल्दी उठ के नहा धो के तैयार हो गई थी और अपना रूटीन जैसे रहता है, नहा के अपने बाल बाल बना कर अपनी फेवरेट परफ्यूम लगा कर विद दैट स्माइल जिसके पीछे नींद छुपी हुई है बहुत सारी, क्योंकि मुझे रात को सोने को बिल्कुल नहीं मिल रहा आजकल। और अपना फेवरेट क्रीम और अपना पर अपने को पैम्पर करना नहीं छोड़ती हूँ। डेफिनेटली मैं अपना स्किन केयर बिल्कुल करती हूँ प्रॉपर, चाहे मुझे सोने को मिले चाहे ना मिले। तो बस वही सब चल रहा था। और आज सुबह सुबह मॉर्निंग में ना काफ़ी बारिश हो रही थी, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी। इनफैक्ट कल रात में थंडर स्टॉर्म भी बहुत तेज़ हो रहे थे। तो बस तो यहाँ अबीर हो गया था अपने सॉकर गेम के लिए रेडी। आज उसकी थी सॉकर क्लास मॉर्निंग में, वही अपना मॉर्निंग में उठा, थोड़ा बहुत मैंने उसका ब्रेकफास्ट बनाया। आजकल मैं जा नहीं रही कहीं भी बिकॉज ऑफ आर एन अभी बहुत छोटा है और इनफैक्ट थोड़ा सा मेरे को हील होने में टाइम भी लगेगा, तो इसलिए बस अबीर ही अब Bye. Okay, I will not cry, Abhi. I'll say bye to you and then go to the office. Okay. Bye. Bye. Yeah, my first drawer, na, wo padi hai, wo. तो यहाँ पे मैंने अपने मॉर्निंग में अपनी तसल्ली वाली कॉफ़ी बनाई, जो मैंने तसल्ली में बैठ के बाद में पी भी, और साथ में ब्रेकफास्ट के लिए इडली और इडली के साथ चटनी विद सैलड ऑन द साइड ये लिया। और फिर तसल्ली से बैठ के अपनी ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, अपनी कॉफ़ी एंजॉय की और कुछ टीवी पे थोड़ा बहुत देखा बिकॉज थोड़ा सा तसल्ली वाला टाइम था। अभी सॉकर गेम में था और आरन सो रहा था। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और आर्यन का है आज अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास, तो हमें 11 बजे के आसपास जाना है डॉक्टर के पास। आई होप तब तक थोड़ी कम हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बरस रही है और कल रात तो इतनी ज़ोर ज़ोर से थंडर स्टॉर्म की आवाज़ आ रही थी लगभग 2-3 बजे के आसपास कि आर्यन बार बार डर रहा था, ऐसे हो जाता था बार बार, क्योंकि आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि हम बड़ों को ही डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। मैं कॉफ़ी सो यू वेस्ट एट यून, कहीं मत जाना एंड तक देखने। बस उसके बाद लगभग 11:30 के आसपास हम लोग आर्यन को लेके डॉक्टर के पास गए। उसका रूटीन चेकअप था, जस्ट डॉक्टर को रूटीन उसका वेट, उसके वाइटल्स ये सब चेक करना था, जो कि अब हर वीकली हो ही रहा है, तो हम वहीं जा रहे थे। बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पे इसकी कार दिखती है। तो हम लोग अब आ चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं आर्यन के डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिशियन के पास। आर्यन का है रूटीन चेकअप, जो रूटीन बच्चों का चेकअप होता है वही है सारी चीज़ें। कुछ कंसर्न्स हमें हैं जो डिस्कस करने हैं। लास्ट टाइम मैं जा नहीं पाई थी, कुलदीप ही लेके गया था, तो इस बार मैं भी जा रही हूँ। मेरे भी कुछ कंसर्न्स हैं, मैं भी वो डिस्कस कर लूँगी। आर्यन अभी तक चाउं चाउं कर रहा था बट अब वो सो गया है पीछे बैठ के अपनी सीट में। लास्ट टाइम जब कुलदीप इसे लेके आया था तो थोड़े वेट गेन का थोड़ा इशू लग रहा था, संतर के थोड़ा इसका वेट कम हुआ है एंड नाउ ही इज हैप्पी टुडे बिकॉज उसका वेट गेन हुआ था। हम जा रहे हैं घर, बाहर हो रही है बहुत बारिश, मैं खोती हूँ अम्ब्रेला जल्दी से। नहीं नहीं यार, आई बी केयरफुल, कुलदीप कह रहा है कि थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है स्लिपरी सा, सो बी केयरफुल। बारिश क्या
तो यहाँ पे घर आके आर्यन ने तो अपना नींद पूरी करी, क्योंकि आजकल रातों को जागता है, मुझे भी जगाता है। और मैं यहाँ तसल्ली से बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी, क्योंकि अगेन जो मॉर्निंग में कॉफ़ी थी वो आधी ही पी पाई थी, फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा आर्यन को लेकर। तो वही मैंने अपनी कॉफ़ी को गर्म किया, फिर मैंने वही दोबारा इंजॉय करी कॉफ़ी, आजकल ऐसे ही चल रहा है। फिर मैंने काफ़ी सारे लॉन्ड्री के कपड़े मैंने लॉन्ड्री किया था, तो उसमें काफ़ी कपड़े हम सब के थे जो फोल्ड करना था। बहुत ही बोरिंग काम लगता है मुझे फोल्ड करना लॉन्ड्री को, लॉन्ड्री करना तो फिर भी इजी है, मशीन में डाला, ड्रायर किया, और फिर उसके बाद जो मुश्किल काम होता है वो होता है फोल्ड करना। तो यहाँ पे आर्यन के, कुलदीप के, मेरे और अबीर सबके कपड़े ही लॉन्ड्री किए थे मैंने, तो बस उन्हीं सबको फोल्ड करके सबके सबके अपने अपने कबर्ड्स में मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखे। तो ये भी एक बड़ा काम होता है, ट्रस्ट मी, बहुत ही बोरिंग काम होता है। कमेंट करके बताना किस किस को ये काम इंजॉय, कौन कौन ये काम इंजॉय करता है। आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल विल से नो। यू गाइज़, मेरी मेटर्निटी लीव्स हैं, तो अब मैं एक रूटीन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेटर्निटी लीव्स हैं मेरी कुछ 3-4 महीने के लिए हैं, और जब तक मैं 3-4 महीने, आई सीरियसली नीड अ रूटीन, बिकॉज पहले मेरा एक रूटीन होता था, मैं आर्यन से पहले वर्कआउट भी करती थी जब तक आर्यन नहीं हुआ था, फिर अपने ऑफिस के काम के लिए बैठती थी, यू नो, बहुत सारी चीज़ें आप स्केड्यूल मैंने बनाया हुआ था। तो अगेन आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्केड्यूल फॉर मी अगेन इन 3-4 महीनों के लिए, जब तक मैं मेटर्निटी पे हूँ। तो अभी आपने देखा कि मेरा अभी सिजेरियन अभी रिसेंट ही हुआ है, मैं ज़्यादा हैवी, यू नो, हैवी लोड वाले काम ले नहीं रही हूँ, ना कर रही हूँ घर में, और करने भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ अभी स्टिचेस इतने हील नहीं हुए हैं। तो मैं अपना लाइट सा वर्क करती हूँ, जो रूटीन घर के काम होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखूँ कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, ये बॉटल्स मेरे आगे आ रही हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना। तो बहुत सारी चीज़ें मैं अब कोशिश करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें करूँ जो वेट वाली ना हो, कर रही हूँ। तो अब आई गेस आप आने वाले ब्लॉग्स में मेरा एज अ हाउस वाइफ वाला अवतार देखेंगे, जो एक रूटीन हाउस वाइफ, जो एक, यू नो, एक हाउस वाइफ जो भी काम करती है, वो मैं पहले भी करती थी खैर, बट इतने ज़्यादा नहीं करती थी ना, वो शायद ब्लॉग्स में नज़र आता था, क्योंकि वो मैं रिकॉर्ड नहीं करती थी क्या काम करती हूँ एंड टू एंड। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करो। आया है पार्सल है मस्टेला से, मस्टेला के मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, ये ऐसा नहीं कि मैं प्रमोट कर रही हूँ किसी को, सो मस्टेला के प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए थे, जस्ट वॉन्टेड टू क्विकली शेयर दिस विद यू गाइज, क्योंकि ये आज ही आए हैं, और कितने सारे आए हैं वो आप लोग देख सकते हो। सब बेबी प्रोडक्ट, बेबी लोशन एंड क्लिनजिंग जेल हैं ये, एंड विद साथ में मैंने क्लिनजिंग ऑयल भी मंगाया है। तो कितने सारे हैं, मुझे लगता है कुलदीप ने ये, आई गेस, मेरा मुँह भी नहीं दिख रहा है, आई गेस पूरे साल के नाम के ऑर्डर ना कर दी हूँ, पता नहीं मैंने पहले वाले ब्लॉग्स में बताया नहीं बताया, बट अभी टिल डेट मस्टेला के प्रोडक्ट्स ही यूज़ करता है, मतलब मैं मस्टेला के प्रोडक्ट्स ही अभी के लिए यूज़ करती हूँ, और इतने मुझे अच्छे लगते हैं। अबीर इज़ 5 years old, स्टिल ही इज़ यूजिंग मस्टेला प्रोडक्ट्स, और सेम प्रोडक्ट्स मैं चाहती हूँ आर्यन भी यूज़ करे, तो इसलिए हम लोगों ने बल्क में मंगाए हैं, तभी आप लोग इतनी सारी बॉटल देख रहे हो। सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, कुछ ऐसा केमिकल बेस्ड कुछ नहीं है। बस फिर ये सारे जो बॉटल्स थे मैंने ऑर्गेनाइज करके कबर्ड में रख दिए, क्योंकि सबकी एक साथ तो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो जैसे जैसे यूज़ होगा उस हिसाब से मैं यहाँ से लेती रहूँगी। गिराना नहीं अभी, अबीर से We want a beer sip. We don't want baby sip. We want a beer sip. No, I want baby sip. You are not Arin. You are a beer. I'm a baby. You're baby to me. You're baby. Abhi girna nahi. Yo, I called you baby. I'm not baby. I thought I called you one. Yes, and that's why we are giving you ice cream, because you're a good boy. यहाँ पे एज यूजुअल आर्यन फीड लेके अगेन सो रहा था, और मैं अपने नॉर्मल जो काम थे दिन के वो कर रही थी। जैसे अबीर आ चुका था, अबीर को स्नैक्स देना, उसको दूध देना, ये सारी चीज़ें, और डिनर की तैयारी, ये सब चीज़ें चल रही थी साथ साथ।
तो यहाँ पे चल रहा था मेरा लेट लंच, क्योंकि मुझे पहले लंच करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। कुछ ना कुछ काम में आप लोगों ने देखा उलझी हुई थी कि कभी ये काम आ जाता था, कभी वो काम आ जाता था, क्योंकि घर में जब आप रहो तो बहुत सारे काम निकल भी जाते हैं। और यहाँ पे अपना लेट लंच कर रही थी, बट एक तरफ नज़र थी आर्यन पे क्योंकि वो सोया था, एक तरफ नज़र थी अबीर पे कि वो क्या कर रहा है। सो यही लाइफ चल रही है मेरी सीरियसली आजकल। फिर आर्यन उठ गया और उसके साथ मैं खेल रही थी, तो आजकल रिस्पॉन्ड, खैर अभी न्यू बॉर्न वाला ही स्टेज है उसका, तो रिस्पॉन्ड इतना नहीं करता, बट यस मज़ा मत आता है बच्चों के साथ खेलने में। शुना मेरी बेबू, मेरी गुड। और फिर इवनिंग का टाइम हो गया था, 6:30 के आसपास मैंने ये बनाया, ये लौकी की सब्ज़ी जिसे घिया भी कहते हैं, और बहुत सिंपल बनाई थी, जीरा हींग और टमाटर में। तो बस यही मैंने फिर बनाने के लिए रखा, क्योंकि इन दिनों मैं थोड़ा लाइट भी खा रही हूँ और घिया और रोटी टाइप कुछ खाने का हल्का सा ही मेरा मन था, तो वही मैंने यहाँ पर बनाया था। यहाँ पे एक तरफ बन रही थी सब्ज़ी और एक तरफ मेरे हाथ में थी बेसिनेट, जिसको मैं प्राम में मैंने बेसिनेट लगा रखी थी, तो उसको मैं इधर उधर थोड़ा कर रही थी ताकि आर्यन को लगे यू नो वो अभी भी गोद में है, ही वॉज स्लीपिंग दैट टाइम। तो इस तरह मैं अपना मल्टीटास्क करने की कोशिश कर रही थी, सब्ज़ी और साथ में बच्चा। तो यहाँ पे हो गया था डिनर टाइम, 6:30 के लगभग हो गया था, और अबीर को मैंने किया था डिनर सर्व। डिनर सर्व के उसे कराना भी पड़ता है, और साथ में वो देख रहा था कोई अपनी कार्टून मूवी टीवी पर, जो कि काफ़ी बोरिंग थी ट्रस्ट मी, बिकॉज मेरे को वहाँ बैठ के उसे डिनर कराना पड़ रहा था, और देख मैं सामने टीवी था तो देखना भी पड़ रहा था, काफ़ी बोरिंग थी। पर पता नहीं बच्चों को क्या इंटरेस्ट आता है ये सब चीज़ें देखने में। और अबीर कर रहा था अपना डिनर, तो एक क्रिब हम लोगों ने अपने लाउंज में भी लगा रखी है, साथ साथ में आर्यन भी चू 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 कर रहा था, तो उसको भी मैं साथ साथ में चुप करा रही थी। पर यही लाइफ जा रही है, क्या कर सकती हूँ, यही रियलिटी है आजकल। मैं आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग, बट यस दिस इज अ रियलिटी एंड आई एम एंजॉयिंग इट, नॉट कंप्लेनिंग। फिर डिनर करके हम सोए, और यहाँ यू नो क्या टाइम हो रहा था, यहाँ बज रहे थे रात के 3:30, और सीरियसली बहुत नींद आ रही थी, लेकिन क्या करें, आर्यन के साथ उठना पड़ता है और वो फीड लेता है, डायपर चेंज होता है उसका, तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसा ही रूटीन चलने वाला है आगे आने वाले कुछ महीनों में।